हेलो दोस्तों, जीरो मेल किचन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाई एंड तिल के लड्डू। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इसे खाया जाता है, तो आइए बनाते हैं कैसे। तो ये देखिए, हम दो तरह के तिल लिए हैं, एक ब्लैक तिल है और एक वाइट तिल है। हम दोनों का लड्डू आज बनाएंगे, तो आइए इसे हम पहले भून लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम ये तिल डाल देंगे। इसको ऐसे हल्के हल्के चलाते रहेंगे, हमारा तिल जब चटकने लगे। तो ये देखिए, हमारे तिल चटकने लगे, जो आपको दिख भी रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा, तिल से आवाज़ आने लगी है, यानी मेरा तिल भूंज रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ये तिल रेडी हो जाएगा, तो इसको वापस एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अभी तो ये देखिए, ब्लैक वाला तिल हमारा रेडी हो गया। अब आइए व्हाइट वाला तिल की बारी। इसको भी उसी तरह से भून लेंगे जैसे हमने ब्लैक वाला को अभी भूजे। तो ये देखिए, ये भी तिल हमारा चटकने लगा। देखिए, इसका भी कलर चेंज हो गया है, व्हाइट से ब्राउन हो गया। इस तरह से हमें चलाते रहना है, नहीं तो एक तरफ से ये जल जाएंगे और एक तरफ से कच्चा ही रह जाएगा। वो कीड़ा कीड़ा लगा रखी है तो हमें। ये देखिए, हमारा ये भी रेडी हो गया, तो इसको भी हम हटा लेते हैं। इसको इसी में अभी तक छोड़ देते हैं और दूसरा हम पैन रखते हैं। तो इसको लड्डू बनाने के लिए हमने ये गुड़ ले लिया है, करीब हाफ किलो के करीब गुड़ है, और ये पानी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। ये पानी हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे के तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से चलाएंगे और गुड़ को पिघलने का वेट करेंगे। तो ये देखिए, गुड़ हमारा धीरे धीरे घुल रहा है। तब तक से हम एक टोकरी में लाई निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, गुड़ हमारे हाफ घुल चुके हैं और थोड़ा ही सा बचा हुआ है। लगभग ये रेडी हो गया है। तो ये देखिए, हम इतना लाई ले लिए हैं। तो ये अब हम ऊपर से ऐसे तिल डाल लेंगे इसमें, दोनों तिल डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब ये हमारा चाशनी रेडी हो गया है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे लाई में गुड़ लग चुके हैं। अब आइए इसको इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे लड्डू हो रहे हैं। हाथ में चिपकते रहते हैं, तो थोड़ा सा पानी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि गुड़ है, हाथ में चिपकने लगता है। सो मैंने हाथ थोड़ा सा पानी के बीच बीच में सहारा ले रही हूँ। जैसे देखिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, नहीं तो फिर वो नहीं बन पाएंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे लाई के लड्डू रेडी हो गए हैं। तो आप कमेंट में बताइए कैसा लगा ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे लाई के लड्डू।